क्यों कोई भाई, क्यों कोई बेमा कैसी जवान। देखो किन छोटो बच्चों के पास आप मतलब स्कूटी देते हैं, फिर जब कश्मीर में इतने ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं ना, फिर बोलते हैं देखो बेचारा, ये पेरेंट्स की गलती है। तो पैसा जिनके पास ज़्यादा होता है वो फिर यही गुंडागर्दी दिखाते हैं, लेकिन इनके पास तो गाड़ी है, बहुत बड़ी गाड़ी है, फिर हमारी क्या वैल्यू है। यहाँ पर अपने लाइफ से खेलते हैं ये बंदे। साइड में ये हमारी तरफ आ रहा है थोड़ा बहुत। पहले हमें स्कूटी का पेट भरना है, 100-200 का, देखेंगे कितने का पेट इसमें भर जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ये हैं, हमें मिलना चाहिए थोड़ा बहुत जगह, हमें मिलना चाहिए। फंस गए हम फिर से। देखो भाई साहब, हमें राइट साइड से जाना है। ईद के मौके पे देखो आज परेपुरा के सड़कें हैं ना, वो सारे खाली है, क्योंकि इन वाले रास्तों पर मज़ा कब है, जब ट्यूशन सेंटर्स हो गए, जब कॉलेज होगा, तब अलग ही लेवल का मज़ा होता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा रश होता है, हद से ज़्यादा रश होता है। और आज देखो सूखा पड़ा है ये परेपुरा। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना, ईद मुबारक, तो बहुत लेट हो गया। मुझे नहीं पता मैं आज ही वीडियो अपलोड करूँगा या कल करूँगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, जिसके कारण फिर आपको पता है तबीयत ठीक होती है मज़ा आता है कुछ भी करने को, तबीयत ठीक नहीं होती कुछ भी मज़ा नहीं आता। आप लोगों के लिए निकलना पड़ा, वरना कसम से क्या बताऊँ, मूड ही नहीं था घर से निकलने का। स्कूटी वाला तो गंदे वाले कट्स काट रहा है, और ऊपर से इन्होंने हेलमेट भी नहीं पहनी है। देखो ये बंदा रॉन्ग आ रहा था इस वाले रास्ते से। अरे वहाँ से जाओ, 2 मिनट ज़्यादा लगेंगे, बट रॉन्ग मत आओ। अपने लाइफ से खेलते हैं ये बंदे, लेकिन इनको क्या। और कुछ बंदे हेलमेट भी पहन के नहीं हैं। ये फॉर्चुनर वाला तो यहाँ से, अरे 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 ये बंदा क्या कर रहा है। एक तो इस भाई स्कूटी वाले भाई साहब को भी उड़ाने वाला था, देखो कितना ज़्यादा तेज़ चल रहा है। फॉर्चुनर वालों की गुंडागर्दी यही है ना, मतलब पैसा जिनके पास ज़्यादा होता है वो फिर यही गुंडागर्दी दिखाते हैं, ऐसी गंदी तरीके से कार्ड्स काटते हैं। टू व्हीलर्स का सोचते नहीं है, ये बेचारे क्या करेंगे, कहाँ से चलेंगे कुछ अगर हो गया। लेकिन इनके पास तो गाड़ी है, बहुत बड़ी गाड़ी है, फिर हमारी क्या वैल्यू है। यहाँ पर देखो बच्चे यहाँ से निकले हैं ईद के लिए, अरे भाई साहब कितनों को उठाएंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ से हाथ दे रहे थे, कितनों को उठाएंगे। आज बहुत सारे बच्चे भी हाथ देंगे, बट उठाएंगे नहीं, क्योंकि अगर एक होगा ना तो अलग बात है। जब मैंने स्टार्टिंग में उठाया था, ऐसे बहुत सारे बच्चों को मत उठाओ, क्योंकि कोई अगर गिर गया पोपट में आप लोगों के सर चढ़ेगा। पुलिस भी बीच बीच में रुकी हुई है, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे झगड़े भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झगड़े करते हैं। देखो किन छोटों बच्चों के पास आप मतलब स्कूटी देते हैं, फिर जब कश्मीर में इतने ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं ना, फिर बोलते हैं देखो बेचारा, ये पेरेंट्स की गलती है, इतने छोटे हैं इस पे। और मतलब कम से कम अगर हेलमेट लगाएंगे ना, फिर कोई मसला नहीं था, लेकिन ऐसे गंदे तरीके से चलाते हैं। बच्चा है, मानता नहीं है, बच्चा है, लेकिन मेरे हिसाब से पुलिस आज भी होनी चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट्स इसीलिए बहुत सारे होते हैं। देखो इस बंदे ने ऐसी ही गाड़ी से दूसरे साइड से बोतल उठा के इस वाले साइड से फेंक दी। कैसे कैसे लोग हैं कश्मीर में, इनको दूसरे का कोई ये सोचते ही नहीं है, किसी को लगेगी मत इससे। मैंने सोचा था 0% से जाएंगे, बट अब मुझे याद आया यहाँ से तो मतलब जो रास्ता है ना वो उखड़ा हुआ है सारा। देखो मैंने शायद पिछले एक वीडियो में ये कवर किया है। नियर हुआ यहाँ से पहले हमारी स्कूटी चढ़ेगी नहीं, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे। मुझे लगता है यहाँ से भी जाम होगा। ओ भैया, ये तो हमारी तरफ लेने वाला था। आज कल हम नहीं चलेंगे इस वाले साइड से, हमारी जान निकल गई थी। देखो गाड़ी का साइज़ देखो कितना बड़ा है, और स्कूटी का साइज़ देखो, थोड़ा भी इसका अगर टक्कर हो जाता ना, बैंड बज जाती हमारी। अरे मैं तो डर गया था इस गाड़ी वाले से, क्या ओवरटेक के चक्कर में दूसरे का ये सोचती नहीं है, मैं पहले भी बोल रहा था। अब मिलता है सुकून, जब यहाँ पर पहुँचते हैं ना सुकून मिलता है। हम निशात गार्डन गेट तक जाएंगे, फिर वहाँ से वापस मुड़ के आ जाएंगे, क्योंकि हमारी राइड तो यही है। और ये बंदा क्यों बार बार पीछे देख रहा है, वहाँ से इससे साइड ही लेते हैं। साइड से देखो कितनी सारी गाड़ी वाले रुके हुए हैं, बहुत ज़्यादा रश होगा आगे जाके, इतना मुझे पहले लगता है। एक तो निशात गार्डन में वो तो फुल होगा, और दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात ये होगी हम ऐसे वाले गंदे वाले कार्ड्स लेंगे, और तीसरी बात जैम हो जाएगा, वो हो भी गया। देखो यहाँ से पकड़ रहे हैं, अच्छी बात है पुलिस वाले ऐसे भाई साहब को चालान ही काट दो, क्योंकि ट्रिपलिंग करते हैं और ऊपर से हेलमेट भी नहीं पहनते। हमने सोचा नहीं था घर से निकलते टाइम हम यहाँ पर भी आएंगे, बट देखो चलते चलते पता ही नहीं चला मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बट कैमरा का मुझे टेंशन है, कैमरा की बैटरी डाउन नहीं होनी चाहिए। अब है पावर बैंक साथ, लेकिन फिर वॉइस क्लियर नहीं आती। अगर मैं पावर बैंक बाहर निकाल के चलाऊंगा, मेरा मतलब ऐसे कैमरा को रखूंगा, मैं कहीं पर रुकूंगा 10-15 मिनट अपने कैमरा को चार्ज रखूंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। और बाकी इस व्यू पे देखो गाड़ी पे कितने सारे बंदे बैठ चुके हैं, तो और मतलब रश। अरे ये क्या बोल रहा था, 2 बंदे हैं, 2 बंदों को मैं नहीं उठाऊंगा, 1 बंदा होगा ना तो हम उठाएंगे। और हमारी आदत है, यहाँ पर लीन था बट हमने इनके चक्कर में अपना लीन मिस कर दिया, क्योंकि हमारी तरफ आ रहा है थोड़ा बहुत। अरे भाई साहब, अंकल जी ऐसा करना ही नहीं है, आपके पास तो अच्छी ब्रेक है बट हमारे पास ब्रेक ही नहीं है उतनी ज़्यादा अच्छी। अरे देखो यहाँ से कोई हाउस बोट भी निकल रही है, मेरे को तो यहाँ से नज़र पड़ रही है, देखो बहुत प्यारी लग रही है, रोशन लिखा है इस पर, रोशन लाल। तक किसी का व्हील कवर गिरा है, वो साइड में हम रखेंगे पहले, वो साइड में रखेंगे, साइड में, साइड में, साइड में, साइड में, साइड में। चलो जी
साइड में हो गया क्योंकि कोई गिर भी सकता है टू व्हीलर, इसीलिए साइड में रख दिया। आइसक्रीम वाला क्रॉस कर रहा है, ये बंदा हमें बार बार देख रहा है। इसको लिफ्ट मांगी, इसने बोला इसको स्कूटियां आगे, मुझे वहां तक उठाओ, इसने उठाया। हमें बोलता एक बंदा, हम भी उठा सकते थे। ये बंदा हमें क्यों देख रहा है? ओ भाई साहब, बाइक वालों के मज़े। अरे भाई ये क्या बोल रहा था, मुझे लगता है आगे पकड़ते हैं शायद, बट कोई नहीं भाई साहब, हमारे पास तो सब कुछ है। इस भाई साहब के पास दो दो लड़कियाँ हैं, हमारे पास कोई नहीं है। हम रुकेंगे यहाँ पर, कहीं पर रुकेंगे, कहीं अभी तक एक भी ब्रेक नहीं था। चलो जी, थोड़ा बहुत कैमरा को चार्ज पे रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो जैसे मैं रुका था, मुझे नज़र पड़ी उनका पेट्रोल ख़त्म हुआ है। क्यों कोई भाई, क्यों कोई हो गया खत्म? करो वेट, खुलो खुलो टैंकी, खुलो टैंकी। यह 30 स्पीड नहीं रहा, बेमा कैसी जवान वो तो बहुत सुबह ही होता ना। चलो चलो निर्भया, अगर बेहन कैसी भी समझ के सेट ना से। चलो चलो ठीक ठीक बस असल पेट। चलो ठीक है भाई साहब, आज तो लोचा हो गया। देखो पहले मम्मी कॉल कर रही है। हाँ वन सा, तो भाई साहब लोचा क्या हो गया? मैंने जिनको पेट्रोल दिया ना, ये मेरे सब्सक्राइबर्स निकले। अब ये प्री प्लानड नहीं था एक्चुअली, मैंने पहले ही बोला मैं यहाँ पर रुकूंगा, दो मिनट वेट करूंगा, बट देखो मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स मिल गए। एक बोल रहा था मैं इनके घर में रहा भी हूँ।